गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे और आपकी फैमिली भी अच्छी होगी। तो गाइस चलो मैं आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो गाइस आप लोगों ने कल की वीडियो में देखा कि आयुष भैया आए थे अराउंड 9 बजे के आसपास और फिर हम लोगों ने उनसे बात वगैरह की और फिर काफ़ी लेट हो गया था सोने में। तो अभी बस मैं उठी हूँ और नहा धो के रेडी हुई हूँ। तो आज ना हम लोगों ने काफ़ी टाइम से बाहर का खाया नहीं है, तो आज आयुष भैया बाहर का नाश्ता लेके आने वाले हैं और वही नाश्ता जो यहाँ का फेमस है, बड़े ही और समोसे कचौड़ी। तो चलो हम लोग खाते हैं और आप लोगों को दिखाते भी हैं। तो अभी नाश्ता ले आए हैं आयुष भैया, देखते हैं क्या क्या लाए हैं। इसमें तो बड़े ही हैं और ये भी बड़े ही है। हम लोग सब लोग बड़े ही खाते हैं ज़्यादातर। और ये शायद देखती हूँ मैं, ये कचौड़ी है समोसा, ये मम्मी के लिए है और ये शायद बाबा खा लेते हैं कचौड़ी। और ये सब्जी, सब्जी ज़्यादा हो गई और बची है कि नहीं और रखी है। चलो आपके लिए और इस भैया के लिए हो जाएगी। ये आप दो खाओगे ना? टेस्टी टेस्टी यार, मस्त लग रही है, बड़ी गरम गरम एकदम टेस्टी। बड़े की और सब्जी आ चुकी है, आयुष तो खा रहा है अपनी बड़ी सब्जी और मैं भी खा लेता हूँ। वैसे मैं नाश्ता करता नहीं हूँ लेकिन आज ठीक है, अब काफ़ी दिनों बाद लेकर आया है आयुष, कर लेते हैं। आज चीट डे हो जाएगा मेरा। वाह क्या स्टाइल है खाने की यार, तौर पर स्टाइल में ऐसे ही सब खाते हैं, थोड़ा डुबो के एकदम। यहाँ की ऐसी बड़ी शायद ही मुश्किल ही कहीं मिले सब्जी, ऐसी सब्जी कहीं मिलना पॉसिबल है नहीं। गाइस सबने नाश्ता कर लिया है और मैं भी अपना नाश्ता लेके आई हूँ ऊपर। कितना यम्मी लग रहा है ये एकदम, तो बड़े ही और सब्जी। आय हाय मुँह में पानी आ रहा है इसको देख के और फिर मैं अपने ऑफिस का काम भी स्टार्ट कर दूंगी। तो चलो गाइस खा लेती हूँ मैं जल्दी जल्दी नाश्ता। तो गाइस मैं अब भी काम करके फ्री हुई हूँ और कितना टाइम हो रहा है, मॉर्निंग से बैठी हुई हूँ। एक्चुअली हुआ क्या है ना, मुझे दूसरी टीम में डाल दिया है और वहाँ इतना ज़्यादा काम है। अभी मैं फ्री हुई हूँ तो सोच रही हूँ थोड़ा छत पर घूम लेती हूँ, है ना। एक मिनट, उससे पहले मैं सोच रही हूँ पेड़ों में पानी डाल देती हूँ, यार सूख रहे हैं बेचारे, इतनी मेहनत से मैंने लगाए थे खरीद के लेके आई थी, बट अब सोच रही हूँ पानी डाल देती हूँ। थोड़ी थोड़ा सा डालती हूँ वरना नीचे फैलने लगता है। यार तो गर्मियों में बड़ा ध्यान देना पड़ता है यार, डेली पानी डालना पड़ता है क्योंकि फिर सूख जाते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और पत्ते भी सूखने लगते हैं अगर पानी नहीं डालो तो। मैं तो देख लेती हूँ यार, डेली पर डे डालती हूँ पानी। अभी तो देखो मैंने डाल दिया है। चलो अब थोड़ा छत पे घूम लेते हैं। ओह बढ़िया लग रहा है यार, एकदम सही लगता है मुझे, काम करके फ्री होके छत पे थोड़ा सा घूम लो, एकदम शांति है, मज़ा आ रहा है। यार अब तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ब्लॉग तो मैं डेली बनाऊँगी बट ये हो रहा है कि मुझे काम भी करना है ऑफिस का और ब्लॉग भी बनाने हैं। ओह माय गॉड, पता नहीं कैसे करूँगी मैं, बट ठीक है करूँगी मैंने जैसे भी करूँ। बड़ी अच्छा लग रहा है यार। सबने अपने घर में ग्रीन चादर लगाई हुई है धूप, ताकि धूप ना लगे अंदर घर में ना जाए। दिखाती हूँ मैं आपको, देखो ये ग्रीन चादर यहाँ भी लगी हुई है, यहाँ भी मोस्टली सभी लोग लगाए हुए हैं। अभी तो कोई नहीं घूम रहा है इधर से, गर्मियों में ना सब निकल आते हैं शाम को बाहर और यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग बाहर बैठ जाते हैं, लेडीज़ वगैरह बातें बातें करते हैं। ये देखो मम्मी भी आ गई हैं, वो डेली दिया लगाती हैं 7 बजे का टाइम है इनका फिक्स, दिया लगाती हैं डेली। सही रहता है यार, तुलसी के पास दिया लगाना चाहिए शाम को। वो गाय घूम रही है इधर, बहुत गाय घूमती हैं भाई इधर गलियों में। तो चने की दाल धूप लगाने के लिए रखी हुई है, इसमें ना कीड़े पड़ गए थे तो अब इसको धूप लगा के फिर इसका बेसन पिसवा लेंगे, पकौड़ी और कढ़ी बनाने में काम में आ जाता है बेसन। घूमते घूमते रात हो गई है, चलो अब मैं अंदर चली जाती हूँ। फिर अभी मैं छत से अंदर आई थी तो मुझे कुर्ते में कुछ ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी इसलिए मैंने टी शर्ट पहन ली है, और अभी मुझे नीचे जाके डिनर भी बनाना है और उसके बाद ऑफिस का काम भी है, बहुत सारा काम है आज। तो गाइस मैं वीडियो को आज जल्दी एंड कर रही हूँ,
अगर आप लोगों को सच में मेरी वीडियो और मेरा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।